सिखाएंगे आपको पेपर पर ब्लाउज काटना बेल्ट वाला। देखिए पेपर लीजिए बड़ा सा, इसको फोल्ड कर दीजिए, फिर इसको फोल्ड कर दीजिए। सबसे आसान तरीका ब्लाउज आगे का पेपर पर काटिए, इसके बाद कपड़ा पर काटिए, इसको सीधा 5.5 लीजिए। अदम सबसे आसान तरीका है, इसको 6 ले लीजिए इधर। आगे हम आपको काटने सिखाएंगे तब ब्लाउज बनाने सिखाएंगे। इसको सीधा ऐसे लाइन खींच दीजिए, इसको ले लीजिए 1 इंच, ये हो गया बाजू, ये हो गया आपका पेट, पेट दोनों। इसको ऐसे काटिए, करते से गोल कर दीजिए। देखिए ये हो गया, इसको खोल दीजिए, खोल कर इसको बीच में काट दीजिए। काट कर दोनों को अलग अलग कर दीजिए, हो गया पीछे का। इसको कंधा ले लीजिए 3, एकदम सबसे आसान तरीका है। पेपर पर काटिए तब ब्लाउज पर कपड़ा पर काटने से 3 ले दीजिए, ये 2.5 इंच है। इसको आगे को 9 इंच ले लीजिए, पीछे का 9 इंच ले लीजिए, गला के लिए 9 इंच पर सबका गला रहता है, किसी का 8 पर रहता है, किसी का 9 पर, किसी का 11 पर भी रहता है। ब्लाउज से नाप लीजिए, आगे पेपर पर काटिए तब कपड़ा पर काटने से ऐसे काटते जाइए, इसको इसको सीधा ऐसे ऐसे से गोल बनाते जाइए। ये लंबाई 12 इंच होता है, ये 12 इंच होता है, इसको 1 इंच मोड़ने के लिए इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ये हो गया, ये ऐसे थोड़ा सा ये किनारा का छाटना पड़ता है, इसको छाट दीजिए। सबसे यही आसान तरीका है, ये पीछे को गया, ये आगे का 3 इंच, इसको भी ले लीजिए कंधे के लिए, इसको ये 6 इंच आगे का 6 इंच रहता है, किसी का 5 रहता है, किसी का 7 रहता है, इससे फालतू नहीं रहता। ये हो गया, आप बेल्ट बनाना है ये गलत उतार दीजिए, बेल्ट वाला बनाना है तो इसको लंबाई लीजिए ना पूरा से लेकर 12 इंच, 11 इंच लीजिए सीने पर, 10 इंच लंबी होगी तो 12 इंच, इसको 12 ले लीजिए लंबाई, ये ऐसे कर दीजिए। ये पेपर कम है, कपड़ा होगा तो बताएंगे, इसको 12 पर लेना चाहिए, काहे कि दोनों ओर सीना पड़ता है, आधा आधा इंच चला जाएगा सीने में, बच जाएगा 11 इंच। ये पेपर छोटा है, इसको निशाना 2-2 इंच पर, सबसे 1 इंच 4 चाहिए 4 पर,
छूटा था कपड़ा, पेपर छूटा था तो इसको ले लीजिए 5 इंच काहे कि मोड़ना है उसमें सीना है, जो कटा हुआ है पेपर इसको उसी के नाप ऐसे रख कर निशाना बना लीजिए, ऐसे बना दीजिए, बन गया। ये फालतू पेपर काट दीजिए। Double head, yes.